सिरिबोस में आपके साथ मैं हूं अनामिका। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर सेवा में कार्यरत शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 9 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा है। जी हां, शुक्रवार को यानी कि कल चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए अंतिम समय दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां 2006 से लेकर के 2010 से 11 के बीच विभिन्न स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए की गई थी। निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही हैं। अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं कराया गया और इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 9 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किए जाने पर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। जी हां, आंसर मांगा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा कि वे 12 जनवरी तक हलफनामा दायर करके वस्तु स्थिति से कोर्ट को अवगत कराए। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि 2002 से 2003 और उससे लेकर के 2013 से 14 तक बहुत सारे सरकारी विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो बड़ी धांधली, बड़ा घोलमाल है इसमें, जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। और ये अच्छी बात है, अगर ये जांच होती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।